Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आज पता है आपको कि उत्तर प्रदेश के एक लोकसभा सीट और दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आने वाले थे, तो फाइनली सिलसिलेवार तरीके से अब नतीजे आने लगे हैं। और सबसे ज्यादा देश की नजरें जिस पर टिकी हुई थी वो थी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की, जो सीट खाली हुई थी उस सीट को लेकर जो कि मैनपुरी है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने समाजवादी से डिंपल यादव को यानी कि अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं रघुराज साक्य को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। और वहां पर अब जिस तरीके से वोटिंग हुई है, जिस तरीके से 2-3% जो है वोटिंग कम हुई थी, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि यहां का मुकाबला काफी ज्यादा फाइट का होने वाला है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर आ रही है। जी हां, बात करें तो अब तक की काउंटिंग में डिंपल यादव को 53,954 वोट मिले हैं। जी बात करें तो 69.41% वोट शेयरिंग के साथ डिंपल यादव पहले नंबर पर यहां पर चलते नजर आ रही हैं। 53,954 वोट मिले हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के रघुराज साके को अब तक महज 22,479 वोट मिल पाए हैं। और इनका अगर परसेंटेज ऑफ शेयरिंग वोट्स की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 28.92 हो रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं डिंपल यादव का, तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में 31,475 वोटों से आगे चल रही है। तो बड़ी खबर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर, जहां समाजवादी पार्टी की सीट मुलायम सिंह यादव के बाद खाली हुई थी, वहां पर डिंपल यादव लीड लगातार बनाए नजर आ रही है और अब तक 31,475 वोटों से पहले नंबर पर काबिज है। पल पल की अपडेट में आपको बताता रहूंगा, लेकिन बड़ी खबर अभी तक यह है कि डिंपल यादव जो है वो बड़ी मार्जिन के साथ जीत की ओर अग्रसर होते नजर आ रही है। बाकी मैं अगला वीडियो जो है वो आपको रामपुर और खतौली को लेकर बनाने वाला हूं, तो आप लोग इस चैनल को जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके। चलिए, धन्यवाद।